अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत टाइम बाद मैं न्यू वीडियो डाल रही हूँ। बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए और आप लोगों की बहुत सारी रिक्वेस्ट आई है कि ये डिज़ाइन सिखा दे, या बहुत सारे कमेंट्स ऐसे भी थे कि आप कहाँ पर हैं, कैसी हैं, क्यों वीडियो नहीं आ रही है। तो गाइज़, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और फिर मदीना भी अब बड़ी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, तो बहुत परेशान करती है और मुझे बिल्कुल भी वक्त नहीं मिलता। मैं खुद वही सोच रही हूँ कि कैसे टाइम मैनेज करूँ वीडियोस के लिए। फ़ाइनली आज मुझे थोड़ा वक्त मिला है, तो मैंने सोचा एक छोटी सी इजी सी लेस डिज़ाइन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जिसके लिए मैंने यहाँ पर कॉटन थ्रेड लिया है और नीडल मैंने ली है 7 नंबर 0.95 mm की। आप स्टार्ट से एंड तक पूरी वीडियो देखिए, मैं छोटी छोटी बात डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। फिर भी कमेंट्स आते हैं कि धागा कहाँ से लिया है, नीडल नंबर क्या है, प्लीज़ बता दे। तो गाइज़, आपको ये थ्रेड अमेज़ॉन पर मिल जाएगा, शिल्पा क्रोचेट थ्रेड है, इंस्टाग्राम की उनकी स्टोर है वहाँ पर मिल जाएगा, या प्रधान एम्ब्रॉयडरी स्टोर एक वेबसाइट है वहाँ पर आपको मिल जाएगा, या लोकल मार्केट से भी आप परचेज़ कर सकते हैं। और नीडल ये आपको ईजीली लोकल मार्केट में मिल जाएगी, 0.95 mm की नीडल है ये। मुझे ये नीडल जमती है, अगर आपको थोड़ी और बड़ी साइज़ की आप नीडल लोगे तो भी चल जाएगा कॉटन थ्रेड के लिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा इंट्रो हो गया और इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि अब डेली वीडियोस डालती रहूँ। सबसे पहले आपको फिंगर पर धागा फोल्ड करके स्लिप नट लेना है। अच्छा, वैसे मुझे इस दौरान में बहुत सारे कमेंट्स ऐसे भी आए कि हम बिगिनर्स हैं, आपको देखकर सीख रहे हैं। तो गाइज़, मैंने बेसिक क्लासेस जैसे मैंने एक स्टार्ट किया था बीच में कि मैं डेली एक वीडियो बेसिक क्रोचेट पर दे रही थी, उसका मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, तो आप वो चेक कर सकते हैं। आपको जैसे आप वीडियोज़ का जो ऑप्शन आता है जहाँ पर वीडियोज़ लिखा हुआ रहता है, उसके बाजू में प्लेलिस्ट रहता है, तो वहाँ पर प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करके वीडियोज़ देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि कौन से प्लेलिस्ट बने हुए हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरीके से फिंगर अपनी नीडल अपनी तरफ रखनी है, निप इसकी, और फिर राउंड लेना है और स्लिप नट ले लेना है। स्लिप नट लेने के बाद अगर आप दुपट्टे पर बना रहे हैं, ड्रेस के दामन पर, स्लीव्स पर, तो आपको क्या करना है, फ्रंट साइड से ही अटैच करना है। जहाँ से आप स्टार्ट करोगे टॉप पर आपको अटैच कर लेना है। पहले अटैच हो गया, मैं थोड़ा नज़दीक से बताती हूँ। देखिए, अटैच के बाद आपको क्या करना है, जब आप डिज़ाइन स्टार्ट करोगे तो आपको जो ये टॉप की बॉर्डर आती है, जो दुपट्टे पर भी फोल्ड की हुई रहती है, उतना आपको थोड़ा ज़्यादा गैप यहाँ पर छोड़कर अटैच करना है। अटैच लाइक डायरेक्टली आपको यहाँ पर इस तरीके से थोड़े ज़्यादा गैप पर नीडल डालनी है। धागा लेते हुए बाहर आना है इस तरीके से, हाथ थोड़ा लूज़ रखें और यहाँ पर अटैच कर लें। ऐसे अटैच करने के बाद आपको लेनी है 3 चैन, 1, 2 एंड 3। 3 चैन लेने के बाद आपको यहाँ पर इस धागे में से बिना धागा लिए डायरेक्टली नीडल डालना है ऐसे। अब क्रॉस में जैसे आपने ये देखे, 3 चैन लेने के बाद इस धागे में आपको नीडल डालनी है और ये आपकी नीडल क्रॉस हो गई इस तरीके से। तो आप क्रॉस में आपको बहुत ज़्यादा दूरी भी नहीं, लेकिन फिर भी इतने गैप पर आपको यहाँ पर अटैच करना है और पीछे से धागा बाहर की तरफ लाना है। अब यहाँ से भी आपको इस धागे में से भी बाहर निकल जाना है ऐसे क्रॉस में, और फिर ये दो धागों में से अटैच कर लेना है। ये इस तरीके से हो गया। अब सेम आपको जिस धागे में आपने क्रॉस में अटैच किया है वहाँ पर आपको फिर से सिंपली एक अटैच कर लेना है ऐसे, जैसे हमने स्टार्ट में किया था। अब अटैच करने के बाद फिर से हम लेंगे 3 चैन। 3 चैन लेने के बाद ये जो अटैच है इसमें से हमें नीडल डालनी है और क्रॉस में हमें अटैच कर लेना है। फिर धागा लेते हुए बाहर आना है और इस धागे में से भी आपको बाहर आ जाना है इस तरीके से। अब फिर यहाँ पर क्रॉस में हमें अटैच कर लेना है ये ऐसे। जैसे आप बनाते जाओगे तब आपको समझ में आते जाएगी ये डिज़ाइन। फिर जहाँ पर हमने इसे क्रॉस में अटैच किया था उसे फिर से यहाँ पर हमें एक अटैच ले लेना है ऐसे सिंपल वाला, और फिर हमें लेनी है 3 चैन, 1, 2 एंड 3। 3 चैन लेने के बाद ये जो अटैच वाले दो धागे हैं इसमें हमें नीडल डालनी है और क्रॉस में अटैच कर लेना है।
फिर हमें इन दो धागों में से हमें बाहर आना है और फिर धागा खींचकर क्रॉस में अटैच कर लेना है। बिल्कुल इसी तरीके से आपको ये इजी सी डिज़ाइन बनाते जाना है। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इजी सी लेस डिज़ाइन है ये इस तरीके से। अब सेम यहाँ पर जहाँ पर हमने क्रॉस में अटैच किया था उसमें हमें फिर से अटैच कर लेना है और फिर थ्री चैन लेनी है। फिर ये जो दो धागे हैं इसमें हमें नीडल डालना है और क्रॉस में हमें अटैच कर लेना है। फिर इन धागों में से बाहर आ जाना है और यहाँ पर अटैच कर लेना है इस तरीके से। अब फिर से सिंपली हमें सेम गैप में अटैच ले लेना है सिंगल क्रोचेट लाइक, फिर थ्री चैन लेनी है और क्रॉस में हमें नीडल में से इन धागों में से नीडल डालना है और क्रॉस में एक अटैच लेना है, फिर इन धागों में से बाहर आ जाना है और इसी तरीके से हमें कंटिन्यू फॉलो करते जाना है। ये एक बहुत ही इजी और सिंपल सी लेस डिज़ाइन है स्पेशली बिगिनर्स के लिए और इसका लुक बहुत प्यारा लगता है दुपट्टे पर। आप ऐसे ही इसे कंटिन्यू फॉलो करते जाएं। और फिर जो यहाँ पर हमने क्रॉस में जो अटैच लिया है ना इसमें हमें फिर से अटैच ले लेना है इस तरीके से। आप इसे अटैच भी बोल सकते हैं, सिंगल क्रोचेट भी बोल सकते हैं। फिर थ्री चैन लेनी है और फिर इस धागे में हमें यहाँ पर नीडल डालकर क्रॉस में नीडल डालना है और इन दोनों धागों में से भी हमें पहले बाहर आ जाना है इस तरीके से और फिर अटैच कर ले, तो हमारी ये क्रॉस डिज़ाइन बनती जाएगी। और बैक साइड में ये देखें, बैक साइड से कुछ इस तरीके से दिखेगा, फ्रंट साइड में ये बहुत प्यारी क्रॉस डिज़ाइन लगती है। तो इसी तरीके से आपको कंटिन्यू फॉलो करना है और अब मैं आपको इसका फाइनल लुक बताती हूँ। ये देखिए गाइस, मैंने यहाँ पर इसकी इतनी लेंथ बनाई है और इसका लुक कितना अच्छा लग रहा है। बहुत ही सिंपल और इजी सी ये लेस डिज़ाइन है। अगर आप, मैंने यहाँ पर ये नैपकिन लिया है इसलिए थोड़ी समझने में प्रॉब्लम हो रही है। आप अगर प्लेन दुपट्टा लोगे तो ये बहुत प्यारा लगेगा और बैक साइड से देखिए इसका लुक ऐसा लगना चाहिए। समझ लेना आप बिल्कुल परफेक्ट बनी है आपकी ये लेस डिज़ाइन। अगर आपके लिए वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल है तो मेक श्योर आपको वीडियो को लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आप शेयर कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि मैं जब न्यू वीडियो डालूँ तो आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बाय गाइज़।